हेलो फ्रेंड्स, मैं वितेज फन वर्क टेक एंड सॉल्यूशन। फ्रेंड्स, ये सैमसंग का J2 मॉडल है, और J2 हो चाहे J5 हो चाहे J7 हो, इस तरह के मॉडलों में क्या है कि जब हम टच लगाते हैं तो उसका ये बैक बटन जो है और ये बटन और ये जो है ये सब प्रॉपरली वर्क नहीं करता है, और इसमें क्या है कि ये प्रॉपरली फिट नहीं होता है। तो आपको मैं एक तरीका बताऊँगा जिससे कि आपका जो ये सेंसर बटन है और ये मैनेजर बटन है ये और ये आपका प्रॉपरली वर्क करेगा, वो किस तरह से होता है मैं वो आपको बताऊंगा। चलिए देखते हैं। सबसे पहले आप क्या करिए, ये जो आप तीन ये देख रहे हैं, मान लीजिए फोल्डर, इसको आप बाहर निकाल लेते हैं। ये फोल्डर है, ये आपका प्लेट है। तो जब आप फिट करते हैं तो आपको सबसे पहले क्या करना है कि ये जो तीन ऑप्शन है इसको क्या करना है, आपको रिमूव कर लेना है। तो सबसे पहले आप इसको रिमूव कर लीजिए। ये देखिए पेज है, मेरे टूल्स है, टूल्स ये नुकीला माइनस टूल्स है। तो आपको क्या करना है, इस माइनस वाले टूल्स से इसको निकालना है। तो ये देखिए, आप धीरे धीरे जरा हल्के हल्के हाथों से निकालिएगा, क्योंकि ये बहुत अच्छे से चिपका हुआ होता है। फोल्डर को मैं साइड में कर देता हूँ। ये देखिए, इसको निकालते वक्त थोड़ा केयर करिएगा कि देखिए यहाँ पर एक कैपेसिटर लगा होता है, ये आपका डैमेज ना हो जाए। तो ये निकल गया, उसके बाद आपको इधर से भी इसी तरह से निकाल लेना है हल्के हल्के हाथों से। अब इसको हल्का सा गर्म भी कर सकते हैं जिससे कि आपका ये आसानी से निकल जाए हल्के हाथों से। ये देखिए, धीरे धीरे करके आप इसको निकाल लीजिए। ये देखिए, ये निकल गया दोनों। अब आपको क्या करना है, अब आपको ये बीच वाला भी निकाल लेना है। तो बीच वाले को भी निकालिए हल्के हल्के हाथों से। निकालते वक्त थोड़ा सा केयर करिएगा कि आपका ये डैमेज ना हो जाए। देखिए ये आपका बाहर आ गया, इस तरह से आपका ये बाहर आ जाएगा। अब आपको क्या करना है कि आपको एक टेप लेना है। ये देखिए, इस तरह का एक टेप होगा, ये थोड़ा सा फोम बेस्ड टेप है। ये देखिए थोड़ा सा ये फोम बेस्ड टेप है, मोटा है, ये साइज देख लीजिए, ये थोड़ी सी फोम बेस है। अब आपको क्या करना है कि आपको इन सब पर थोड़ा थोड़ा ये करके यहाँ पे आपको चिपका देना है। ये देखिए, इस तरह से आपको चिपका देना है। ये देखिए, ये देखिए, उसके बाद आपको क्या करना है, ये देखिए जो यहाँ पे भी दिख रहा है आपको, ये जो ऑप्शन दिख रहा है मैं यहाँ पे भी थोड़ा सा चिपका देता हूँ। जब आप सेट में फोल्डर लगाते हैं तो आपका जो ये होम की है वो प्रॉपरली फिट नहीं होता है, तो थोड़ा सा अंदर चला जाता है। तो इस तरीके से जिस तरह से मैं आपको बता रहा हूँ उस तरह से अगर आप लगाते हैं तो आपका ये होम की और सारा फंक्शन आपका इजीली वे पे काम करेगा। मैं सिर्फ फिटिंग करने का तरीका आपको बता रहा हूँ, आप इस तरह से एक बार लगा के देख लीजिएगा। आपको अगर लगाने में आसानी होगी, आपका एक बार वर्क करेगा, तो फिर आप मेरे को धन्यवाद बोलिएगा, और नहीं तो फिर वही बात नहीं, मैं दूसरा ट्यूटोरियल डालूंगा। इसमें आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं,
व्हाट्सएप के थ्रू या यूट्यूब के थ्रू। तो ये देखिए आपका, मैंने इसको चिपका दिया। अब आपको क्या करना है, इसको यहाँ से स्टिकर को निकाल लेना है। ये थोड़ा सा ऊंचा कर देने से क्या होता है ना कि जो आपका लोकल टच आता है वो प्रॉपरली फिट नहीं आता है, उसकी डिस्प्ले थोड़ी सी ऊंची होती है ओरिजिनल की अपेक्षा। तो जब आप फिट करते हैं तो होम की आपका हमेशा अंदर की तरफ हो जाता है, तो वो प्रॉपरली वर्क नहीं करता है। तो इस तरह से आप जब करेंगे तो आपका कभी भी सेंसर, जो आपका बैक सेंसर होता है या फिर एक सेंसर, वो आपका एकदम अच्छे से काम करेगा। तो ये देखिए मैं इसको फिट कर दे रहा हूँ। ये देखिए इस तरह से मैंने स्टिकर को यहाँ से निकाल लिया है। अब मैं इसको यहाँ पे फिट करता हूँ। तो इसको आपको एकदम अच्छे से प्रॉपरली जैसे लगा था वैसे ही आपको यहाँ फिट कर देना है। ये देखिए जैसे लगा था मैंने फिट कर दिया है यहाँ पे भी। ये देखिए इस तरह से अभी आपका फिट हो गया। अब इसमें अगर आप होम की लगाएंगे, ये देखिए मैं इसमें होम की ये लगा रहा हूँ, उसके बाद मैं इस फोल्डर को लगा रहा हूँ। जब आप होम की और फोल्डर पे लगाएंगे तो ये देखिए इस तरह से लगाने से, अब ये देखिए वो होम की आपका एकदम ऊपर की तरफ है। ये देखिए ये देखिए आपका होम की, देखिए इस तरह से आप लगाएंगे तो आपका होम की है, अभी अंदर भी नहीं जाएगा, ये पूरे प्रॉपरली जैसे कंपनी की तरफ से लग के आता है उस तरह से ये लग जाएगा। और आपका ये सेंसर भी आसानी से वर्क करेगा। तो इस तरह से अगर आप स्टिकर लगा के होम की और सबको प्रॉपरली लगाएंगे, देखिए पूरा कंपनी मोड की तरह एकदम लग जाएगा। तो इस तरह से आप लगाएंगे तो आपका जो है J2, J5, J7 या J Pro जो भी मॉडल हो, इस तरह से अगर